टू ईच ऑफ मास एम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बी टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड टू एक्सप्लोजन। देखो अब देखो ये एक एक पार्टिकल है जिसका मास 4m था, एक्स वाई प्लेन में था। इमेजिन कर लो ये एक्स वाई प्लेन है, बोर्ड ए एक्स है और वाई है, और ये एक मास है जो ऑलरेडी 4m का है, ठीक है। दिस इज द मास 4m, ठीक है, ये जो मास है वो 4m है, ठीक है। अब ये एक्सप्लोजन हुआ, मतलब ये फूट गया, टूट गया, बम इमेजिन कर लो कि एक बम है जिसका मास 4m है, इसमें से दो छोटे छोटे पीस जो बने वो एक्चुअली परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। चलो तो दो जो छोटे पीस है, मान लो एक छोटा पीस इधर जा रहा है जो m है, और एक छोटा पीस इधर जा रहा है जो उस ओ भी m है, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं 90 डिग्री पर। इच स्पीड v, हर एक की स्पीड जो है, इसकी स्पीड v है और इसकी भी स्पीड v है, चलो तो इक्वल स्पीड। देन टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड इन दिस एक्सप्लोजन, अब इसमें जो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला जाए। ये जो कोलिजन हम पढ़ते हैं, तो बेसिकली ये एक अलग टाइप का कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, सुपर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो सुपर इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है भाई। इलास्टिक कोलिजन क्या था, काइनेटिक एनर्जी कंजर रहती, इन इलास्टिक में घट जाती है, परफेक्टली इन इलास्टिक बहुत कम हो जाती है, और एक सुपर इलास्टिक कोलिजन जिसमें बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियली जीरो थी, फाइनली बढ़ गई। तो काइनेटिक एनर्जी मैं तब तक नहीं निकाल पाऊंगा जब तक मुझे तीसरा वाला पीस, ठीक है, किधर जा, वेलोसिटी नहीं पता, तीन पीस हुए ना, हाँ तीन पीस हुए, जब तक मुझे तीसरे वाले की वेलोसिटी नहीं पता होगा। तो देखो एक तो बात हमें पता है कि वेलोसिटी नहीं पता है, क्या तीसरा पीस किधर जाएगा आप बता सकते हो? तीसरा पीस जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन से, इन दोनों का जो नेट मोमेंटम है, ये मोमेंटम एम बी बना और ये मोमेंटम एम बी बना, ठीक है। तो नेट मोमेंटम इधर रूट टू एम बी आ गया, रूट टू एम बी आ गया, जो कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर होगा। अब ये इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए, तो इसलिए जो तीसरा वाला पीस है वो नेट मोमेंटम जीरो होने के लिए तीसरा वाला पीस यहाँ से 45 डिग्री पर वो इधर की डायरेक्शन में जाएगा, इधर की डायरेक्शन में जाएगा 45 डिग्री पे, जिसका मास होगा 2m और जिसकी स्पीड होगी v डैश, जो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व करा के हम स्पीड भी निकाल लें, मोमेंटम कंजर्व करा दें, देखो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो था, तो फाइनल जीरो तभी होगा जब ये मोमेंटम इसको कैंसिल करेगा, 90 डिग्री पर टू मोमेंटम, तो ये 90 डिग्री पर टू मोमेंटम टू एम बी, और इधर की मोमेंटम कितना हो गया, इधर का मास 2m, इधर की वेलोसिटी वी डैश, ठीक है। तो m ने m को खत्म कर दिया, तो वी डैश का मतलब वी डैश की वैल्यू आ जाएगी रूट टू वी अपान रूट टू वी अपॉन टू। दिस इज द व्हाट वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पीस, जो थर्ड वाला पीस है वो इधर जाएगा 45 डिग्री पे और इतनी स्पीड से जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी कितना जनरेट हुआ उसको लिख लो, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड इन दिस पार्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर पहले वाले का, हाफ एम बी स्क्वायर दूसरे वाले का, और तीसरे वाले पीस का हाफ एम नहीं हाफ 2m और v स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2v स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 ने इस 4 को खत्म कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 3mv स्क्वायर बाई 2, दैट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड इन दिस एक्सप्लोजन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बी ऑप्शन।